नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी में खाना पीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक पर, यानी क्या आपको प्रेगनेंसी के बिना ही प्रेगनेंसी जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं, और यदि बिना प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी जैसे लक्षण महसूस होते हैं तो उसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं। हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है लेकिन आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स यानी लक्षण महसूस होते हैं तो ऐसा क्यों होता है। दोस्तों बहनों, बिना प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी जैसे लक्षण महसूस होने का सबसे पहला कारण होता है कि हो सकता है आपका पीरियड आने वाला हो, और उसके जो पीरियड आने से पहले के लक्षण होते हैं, PMS के जो लक्षण या सिम्टम्स होते हैं, वो ठीक प्रेगनेंसी जैसे लक्षणों की तरह ही होते हैं, जैसे कि स्तनों में भारीपन होना, सूजन आना, या मूड स्विंग होना, यहाँ तक कि आपको जी मिचलाना, उल्टी होने की शिकायत भी हो सकती है। इसके अलावा पेट में दर्द रहना, क्रैम्प्स आना, या मूड स्विंग की समस्या अधिक होना, ऐसे लक्षण भी आपको दिखाई दे सकते हैं। मतलब पीरियड आने से पहले यदि किसी कारण से आपका पीरियड लेट हो गया है या पीरियड मिस हो गया है और आप इस दुविधा में फंस गई हैं कि आपको प्रेगनेंसी जैसे लक्षण क्यों महसूस हो रहे हैं, तो सबसे पहला कारण होता है कि आपका पीरियड आने वाला है और किसी कारण से लेट हो गया है। बिना प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी जैसे लक्षण महसूस होने का अगला कारण होता है ओवुलेशन का होना। यदि आपका ओवुलेशन हो रहा होता है तब आपको ज़्यादातर ऐसे लक्षण महसूस होते हैं जो कि प्रेगनेंसी होने पर महसूस किए जाते हैं, जैसे कि स्तनों के अंदर भारीपन या सूजन आना, पेट में हल्का दर्द रहना। इसके अलावा आपको जी मिचलाना, उल्टी होना की शिकायत हो सकती है, जो कि ओवुलेशन में होना एक आम बात होती है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम काज कर लेते हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में चल रहे होते हैं, या अचानक दुख या चिंता होने पर आपका शरीर के कार्य प्रभावित हो जाते हैं, और उनमें से एक कार्य होता है पीरियड का होना। तो यदि आप बहुत ज़्यादा काम काज इन दिनों कर चुके हैं, या आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या चिंता दुख की स्थिति में रह रहे हैं या चल रहे हैं, तो उसके कारण भी पीरियड लेट हो सकता है और आपको प्रेगनेंसी जैसे लक्षण पीरियड आने से पहले के कारण महसूस हो सकते हैं। दोस्तों अगला कारण होता है कि बिना प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी जैसे लक्षण महसूस होना, और वो होता है दवा का इस्तेमाल करना। कुछ महिलाएं अनवांटेड आईपिल जैसी दवा ले लेती हैं जिसके कारण अक्सर पीरियड लेट या मिस हो जाता है और उन्हें प्रेगनेंसी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। तो यदि आपके साथ ऐसा हुआ है, यदि आपने रिलेशन बनाए हैं और अनवांटेड किट या अनवांटेड 72 जैसे कि या आईपिल का इस्तेमाल किया है, तो ऐसे में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप वास्तव में प्रेग्नेंट हैं या नहीं। इसके अलावा जो महिलाएं या लड़कियां फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए थेरेपी लेती हैं, हार्मोन थेरेपी, तो उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी प्रेगनेंसी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। इसके अलावा भी कुछ दवाइयां होती हैं जिनके कारण आपको प्रेगनेंसी जैसे लक्षण बिना प्रेगनेंसी के महसूस हो सकते हैं। दोस्तों ये वो मुख्य कारण होते हैं जिनके कारण आपको बिना प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि यदि आपको प्रेगनेंसी जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। यदि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और आपको प्रेगनेंसी जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो इसका सबसे पहला कारण होता है कि जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रही हैं जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट, वह उसमें खराबी हो सकती है, या फिर ऐसा होता है कि आपने प्रेगनेंसी जो टेस्ट है वह सही तरह से नहीं किया है। यदि आप पहले सुबह के मूत्र के साथ अपना टेस्ट नहीं करती हैं, तो ऐसे में हो सकता है आपको प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव मिले लेकिन वास्तव में आप प्रेग्नेंट हों।
इसलिए जिस दिन भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना हो उसके पहले वाले दिन की रात को सोने से कम पानी का सेवन करें, और जिससे कि यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा और आपको सही प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट मिलेगा। यदि आप में से कुछ बहनें प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, प्रेगनेंसी जैसे लक्षण आपको महसूस होते हैं लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने जो प्रेगनेंसी टेस्ट किया है घर पर, तो वह आपके हार्मोन्स की मात्रा को सही तरह से पता लगाने में नाकाम रह रहा हो। क्योंकि जब घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करते हैं तब आपके शरीर में एससीजी हार्मोन की मात्रा बहुत अधिक होनी चाहिए, तभी रिजल्ट आपको सही मिलता है। अगला कारण होता है कि आप प्रेगनेंसी जैसे लक्षण महसूस कर रहे हैं लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो इसका अगला कारण जो है वो यह होता है कि आपने टेस्ट बहुत जल्दी हो सकता है कर लिया हो, तो आपको पीरियड मिस होने के बाद कम से कम 7 दिन के बाद टेस्ट करना चाहिए और फिर उसके 3 दिन बाद यानी 72 घंटे के बाद रीटेस्ट करके यह इंश्योर कर लेना चाहिए कि आप वास्तव में प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो बहनों, हमने आपको दोनों ही स्थितियां बता दी कि बिना प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी जैसे लक्षण महसूस होने के पीछे कारण क्या होते हैं, और कब आप प्रेगनेंसी जैसे लक्षण महसूस करती हैं, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं लेकिन आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। तो यदि अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर पूछ सकती हैं, और सबसे बेहतर उपाय यही होता है कि आप पास में किसी डॉक्टर के पास जाकर, गायनी डॉक्टर जो हों उनके पास जाकर अपनी जांच करवा सकती हैं। आपको सही से पता चल जाएगा कि आपकी समस्या के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों, बहनों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।